बाकू ओल्ड सिटी के बिल्कुल साथ। यहाँ पे आपको बहुत खूबसूरत लोग भी मिलेंगे। तू समझा? लोग आपको जो है वो मेरे पीछे भी नजर आ रहे हैं, लोग घूमने आए हुए हैं। लोगियां आई हुई हैं। ये जी अरसलान साहब हैं। अरसलान साहब आज ही लैंड किए हैं। ये जनाब हमारा डॉनर आ गया। ये पता नहीं क्या है। ये जनाब हमारा डॉनर आ गया। ये पता नहीं क्या है। ये आयरान है, लस्सी को ईरान बोलते हैं। हमारे वहाँ पे सुबह का कल्चर है और यहाँ पे रात का कल्चर है। ये 2019 में 20 में बड़ी पी है मैंने जनाब। रात को नींद नहीं थी आती तो ये बहुत ज्यादा पी है हमने। गुड। योर नेम? निकॉन। ओके। अच्छा जी, ये है जी इनका डोनर और इसमें जो है वो चिकन बीफ की फिलिंग होती है। ये इसके साथ मिलती है आपको आयरान लस्सी। तिरसी है, नमक ज्यादा है। मैं नमक ज्यादा खाता हूँ इसलिए जो है वो शायद मैं भी मैं तो कम खाता हूँ। होटल से निकले हैं दोबारा। ये छोटा भाई है वलीद फ्रॉम गुजरात। ये भाईजान नेशनल हो गया है, 2 साल हो गए हैं इसको बाकू में। और भाईजान की पुरजोर फरमाइश पे जो है वो फिर से डोनर खाने जा रहे हैं। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कितना शदाई हूँ डोनर के पीछे। और जनाब फेवरेट डिश है, मुझे मना भी और मैं फिर भी डोनर खाने जा रहा हूँ। हम शदाई हैं डोनर के, जब डोनर खा लेते हैं फिर पुरसकून मॉल में हो जाते हैं। मतलब कोई नशे वाली चीज नहीं है ये ना समझे। पहले अभी आपको मैंने जो है वो लास्ट वीडियो में मैंने दिखा दिया डोनर को। पहले अब तक चले डोनर होता क्या? खाने चले हैं या वापसी पे? अब तक चलते हैं, वापसी पे चलते हैं। अभी आपको दिखाते हैं, ये हॉस्पिटल है। अभी सही नहीं बनेगा तो फिर यहीं पे आना है। ये जी यहाँ का कैस्पियन इंटरनेशनल हॉस्पिटल। दुनिया में जन्नत देखनी है तो बाकू आ जाओ। बाकू आ कसम से, एक दफा जो आ गया वो वापस जाने का नाम नहीं लेगा। मेरा प्लान दोबारा बन गया। मैं 16 मई को दोबारा आ रहा हूँ। दोबारा आ रही हूँ। मैं भी एक दफा ही आया था, उसने भी मुझे बोला था कि जिसने मुझे बुलाया ना उसने कहा कि जब तुम आ गए ना तुमने कहना बाकू बाकू ही है, बाकू से जाने का दिल नहीं करता। बाकी मैं जाकर फिर दूसरी दफा खुद जबरदस्ती आया। आपको दिखाते हैं अभी जनाब एक और जगह जो है वो जहाँ से डोनर मिलता है। शवारमा वन पे जा रहे हैं। शवारमा वन पे जा रहे हैं जी, सबसे बेस्ट है शवारमा वन यहाँ। डोनर वगैरह तो इधर मतलब इतना खास नहीं है। KFC बिल अच्छा है मैकडोनर से, मैकडोनर हलाल नहीं है। मैकडोनर आपने नहीं जाना, उसमें जो है वो हलाल मीट को यूज़ नहीं करते। तो अज़रबैजान में कोई भी आता है तो आपने मैकडोनर नहीं जाना। ये देखें जनाब ये बस स्टॉप खूबसूरत, ये बिल्कुल UAE की तरह बस स्टॉप्स हैं इनके, लेकिन बड़ा खूबसूरत व्यू है वैसे ही UAE की तो तरह। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। रात है ना, रात में तो इतना पता नहीं लग रहा। और ये है बाकू की नाइट लाइफ, दिन का व्यू और रात का व्यू दोनों देखने लायक है। लेकिन ये थोड़ा सा साइड एरिया है, पुरसकून एरिया, इस वजह से जो है वो साइड एरिया में रह रहे हैं। ये है जी बाजार स्टोर इनका, जिस तरह UAE में नेस्टो है। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं जैसे हमारे पाकिस्तान में, और UAE में नेस्टो या डे टू डे हाइपर मार्केट्स वगैरह हैं। ये इनका बाजार स्टोर है। ये साथ एक होटल एंड रेस्टोरेंट, बहुत अच्छे बहुत खूबसूरत तरीके से हर चीज़ को जो है वो मैनेज किया हुआ है लोगों ने। शवारमा वन, इसका थोड़ा सा आपको व्यू दिखा देते हैं। मुराद उस्ता, ये है जी व्यू इनका। ये है जी ये इनका जी एम्बियंस देखें, बहुत ही खूबसूरत सिटिंग। डोनर आ गए जी, साथ ही हमारे जो हैं वो अजीज़ हैं भाई लाहौर से, मॉडल टाउन से मुलाकात हो गई है उनसे। ये उनके बड़े प्यारे प्यारे 2 बच्चे हैं। ये जी साहब कहते हैं। क्या नाम है आपका? पूरा नाम बता। ये कितने हैं? सैफ डॉन बॉस। सैफ, आपका नाम क्या है? हाँ सुलेमान, आप पढ़ते हो? कौन सी क्लास में हो? 2 क्लास में हो? हाँ
सैफ बॉस साथ डॉन अज़रबैजान का डॉन बच्चे जी बड़े प्यारे बच्चे हैं माशाल्लाह। अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया चलते चलते वापसी को अपने होटल की तरफ। ये सामने होटल की ही लाइट जल रही है। लें जी आज का दिन फिर कंप्लीट हो गया और दिन गुजरते जा रहे हैं पता ही नहीं चलता। ये हम पहुंच गए, ये सामने वली साहब चलते जा रहे हैं, ये जनाब होटल पहुंच गए जी। ये है जी होटल का नाम सेबायलिन होटल और ये जनाबे वाला। आज आपको मिलवाते हैं इस होटल के ऑनर से। ये जनाब आधी रात को भी आपकी खिदमत में पेश पेश हैं। जनाबे मोहतरम आप हालत से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नींद से दो चार हैं, लेकिन फिर भी जो है वो दो चार लोग जो हैं वो एयरपोर्ट से उनका पिकअप करना है तो इसलिए जाग रहे हैं, खिदमत में पेश पेश हैं। आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ये सेबायलिन का कार्ड है, ये आप देख सकते हैं जी। सेबायलिन होटल सुहेल वारिस साहब जो कि मेरे बिल्कुल सामने हैं। गुड मॉर्निंग मेरे लिए।